आपसे जुड़ी हर खबर के लिए सब्सक्राइब कीजिए 3N न्यूज नेटवर्क। पुलिस चाहे लाख प्रयास कर ले, लेकिन मोतिहारी में हर्ष फायरिंग का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी दो दिन पहले चकिया के एक डॉक्टर को शादी समारोह में हर्ष फायरिंग के आरोप में जेल भेजने की घटना ठंडी भी नहीं हुई कि आज एक बार फिर एक हर्ष फायरिंग की घटना जिले में खूब वायरल होने लगी। ताज़ा वीडियो जिले के एक भाजपा नेता की बताई जा रही हैं, जिनका नाम नवीन कुमार यादव है, जो मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। भाजपा नेता नवीन यादव की दबंगई स्टेज पर देखने को मिली, जहां सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में वो अपने दोनों हाथों में पिस्टल लहरा रहे हैं। वह बरमाला के समय अपने दोनों हाथों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। और लोग मूक दर्शक बनकर उनका वीडियो बना रहे हैं। बारात मोतिहारी के तरकोले के बैरिया बाजार से आई थी। वह वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे स्टेज पर लोग ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। हालांकि हमारा चैनल इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे शादी समारोह में एक और जहां कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो वहीं पर दूसरी ओर स्टेज से भाजपा नेता हर्ष फायरिंग करके दहशत फैलाने व अपनी दबंगई दिखाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। देखिए तस्वीर। वहीं जिले में ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जो इसी 7 तारीख का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो मोतिहारी SP नवीन चंद्र झा के पास भी पहुंच चुकी है। वह उन्होंने इस संबंध में कहा कि उक्त व्यक्ति के हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो के जांच के बाद कठोरतम कार्रवाई की जाएगी एवं उसकी गिरफ्तारी के बाद उसके लाइसेंस को रद्द करने की भी अनुशंसा की जाएगी।